नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2022 में कई तरीके के कारनामे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रसेल की बात करेंगे, क्योंकि रसेल को आप आईपीएल 2022 में बल्लेबाज के तौर पर देखते हैं, अच्छे फिनिशर के तौर पर देखते हैं, चौके छक्के मारने वाले खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। लेकिन रसेल केवल बल्लेबाज नहीं है, रसेल अपनी गेंद का भी जलवा दिखाना जानते हैं, और वो काम उन्होंने बखूबी किया गुजरात के खिलाफ, जब उनको आखिरी ओवर दिया गया और आखिरी ओवर में केवल एक ही ओवर उन्हें श्रेयस अय्यर ने दिया, और आखिरी ओवर में रसेल ने चार विकेट झटक कर ये बता दिया कि वो बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको इतिहास में ले जाऊंगा, आईपीएल में रसेल के कुछ बड़े कारनामे बताऊंगा। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब आंद्रे रसेल ने आखिरी ओवर में कमाल किया हो, बल्कि इससे पहले भी आंद्रे रसेल इस तरीके का कारनामा कर चुके हैं। साल 2021 में याद करिए, मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो मैच जब आंद्रे रसेल ने अपनी गेंद का कमाल दिखाया था, और उस मुकाबले में आंद्रे रसेल ने आखिरी ओवर में 3 विकेट झटक कर मुंबई इंडियंस को महज 152 रन पर रोक दिया था। तब रसेल ने उस मैच में 2 ओवर फेंके थे और 5 बड़े बल्लेबाजों को रसेल ने आउट किया था। इस बात से आप समझ सकते हैं कि रसेल केवल बल्लेबाज नहीं है, रसेल केवल चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो गेंद से भी बड़ा कारनामा करने वाले खिलाड़ी हैं। वो बल्ले और गेंद दोनों से केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, और ये रिकॉर्ड जो है आंद्रे रसेल के बताते हैं कि जब जब उनको गेंद थमाई गई, रसेल ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, अपनी टीम के लिए विकेट चटका कर दिखाई, ये रसेल की काबिलियत है। तो आपका रसेल के ऊपर क्या कहना है? क्या रसेल को आप बल्लेबाज के साथ साथ गेंद से भी उतना ही खतरनाक मानते हैं जितना वो बल्ले से हैं? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।